भंडारा में जिला सामान्य अस्पताल के अग्निकांड के मामले में 10 शिशुओं की दर्दनाक मौत की घटना के तहकीकात के लिए डॉक्टर साधना ताड़े की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये समिति 3 दिनों में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि लापरवाही दिखाने वालों पर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भंडारा जिला अस्पताल को टोपे ने भेंट देने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसा कहा। इस समय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले और भंडारा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम उपस्थित थे। मला जे सांगण्यात आलं की फीडिंग झालं होतं आणि फीडिंग करून त्या ठिकाणी नर्सेस होत्या, अचानक स्फोट आणि धूर त्यांनी निर्माण झाला, तर नर्सेस आणि दाईनी जे काही खिडक्या उघडून धूर जाण्यासाठी आणि एक्सटिंग्विशर्स फोडून त्या ठिकाणी आग विझवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला। सेक्युरिटीच्या लोकांना बोलवलं आणि इथले जे काही वॉर्ड बॉय सेक्युरिटी या सगळ्यांच्या माध्यमातून जे इनबॉर्न युनिट आहे बाजूला खेटून तिथेसुद्धा सगळा स्मोक पसरला होता, तर त्या मुलांना वाचवणंसुद्धा गरजेचं होतं। त्या 7 मुलांना वाचवणं हे सुद्धा एक महत्त्वाचं काम त्यांनी केलेलं आहे। फक्त प्रश्न एवढाच आहे की या सगळ्या घटनेमध्ये मात्र ज्या हॉलमध्ये ज्या आउटबॉर्न बेबी युनिटमध्ये जे धूर आणि स्फोट झाला, अग्नी त्या ठिकाणी आग लागली, त्यामध्ये मात्र त्या धुरामुळे गुदमरून बालकांचा मृत्यू झाला। मला वाटतं याची सखोल चौकशी समिती संरचनात्मक आग और आग को बुझाने वाले ऑडिट अस्पताल में विस्फोट के सटीक कारण पर सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। टोपे ने यह भी कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। मैं मृत बच्चों के परिवारों की भावनाओं को समझ सकता हूँ। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समिति का गठन किया गया है। घटना में शामिल सभी लोगों के साथ चश्मदीद गवाहों से भी समिति द्वारा पूछताछ की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।